हेलो एवरीवन, सोनम की ज़िंदगी में स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो यहाँ पे मैं ये मिट्टी का चूल्हों की रिपेयरिंग कर रही हूँ क्योंकि नाइट में बहुत बारिश हुई थी और ये चूल्हा को मैंने ढका नहीं था। सो यहाँ इसे मैं रिपेयरिंग कर रही हूँ। बहुत बुरी तरह से टूट गई थी जो भी बोलिए, ऐसे हम सब बोलते हैं चूल्हा मिट्टी का। सो इसे मैं रिपेयरिंग कर रही हूँ। सो इस पे मैं कभी कभी खाना बनाती हूँ या कभी कभी भुंजा होता है वो मतलब कि भूंज लेती हूँ कभी कभी। सो मन करता है कभी खाना बनाने की मिट्टी के चूल्हे पे, सो मैं कभी कभी बनाती हूँ। तो ये बहुत ही बुरी तरह से इसका हालत हो गया था। सो मैं इसे रिपेयरिंग कर रही हूँ। आज धूप निकला है बहुत तेज़ वाली। सो यहाँ पे आई थिंक 10 o'clock हो रही है, बहुत बहुत तेज़ धूप निकली थी। सो मैं इसे आज रिपेयरिंग कर रही हूँ। रिपेयरिंग कर दूँगी तो कुछ दिन टिकेगा, पता नहीं क्या होगा इसके आगे। बहुत बुरी तरह इसका हालत हो गया था। सो देख सकते हैं मैंने इतना रिपेयरिंग किया और छत भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था मिट्टी के कारण से, पूरा मिट्टी झड़ गया था चूल्हा से। सो देख सकते हैं इसे मैं रिपेयरिंग कर लूँगी और अच्छे से, क्योंकि अंदर भी मतलब कि मिट्टी बाहर आ गई थी या बाहर वाले मिट्टी तो दिख ही नहीं रहा था कि यहाँ पे भी कभी चूल्हा भी था। तो मैं इसे रिपेयरिंग कर, मैं कभी नहीं सोची थी कि मुझे ये काम भी करना पड़ेगा। सो समय समय की बात है ना, समय कुछ भी करवा सकता है। सो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से रिपेयरिंग कर दूँगी बहुत बुरी तरह से, फिर उसके बाद छत वगैरह क्लीन कर लूँगी। सो यहाँ पे मैं रिपेयरिंग मेरी हो गई थी। सो यहाँ पे मैं पानी डाल के पूरी छत को क्लीन कर लूँगी, मिट्टी पूरा छत, मतलब कि यहाँ आधा छत पूरा मिट्टी हो गई थी। सो इसे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, पानी से क्लीन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा था। सो आप सभी वीडियो में बने रहिए। छोटा सा चूल्हा पे मैं खाना बनाती हूँ। आप सब वीडियो में देखे होंगे कि मैं इसी पे खाना बनाती हूँ। अभी बारिश में इसका भी बुरा हाल हो गया था, मतलब कि बहुत ही ये तो बहुत बुरी तरह से टूट गया था। तो मैं इसे अच्छे से रिपेयरिंग की हूँ, बहुत अच्छे से। गाइस बहुत टाइम लग गया था मुझे रिपेयरिंग करने में। सो ये इसका तो लुक ही ख़राब हो गया था, पता नहीं चल रहा था यहाँ पे कुछ भी था, मतलब कि मैं यहाँ पे मुझे खाना बनाने में इसमें बहुत अच्छा होता है, इसका सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है चूल्हे वाले की। सो मैं इसे अच्छे से इसे रिपेयरिंग कर देती हूँ कि अगली बार ये टूटे नहीं अच्छे से।